डियर फ्रेंड्स आपके रिवीजन टेस्ट पेपर केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन है इंग्लिश मीडियम के लिए उसको हम देख रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बता दूं आपके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स वर्ड टॉपर्स की कॉपियां सब कुछ हमने डाल रखी है जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको कोई लिंक या वीडियो ना मिले तो कमेंट भी कर सकते हैं तो आंसर्स मैच करिएगा क्वेश्चन नंबर वन का जो आपका फोर्थ आंसर सही होगा इसमें एमोरफर्स सॉलिड आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टू जो था इसका आंसर नंबर टू का टू ही होगा और आंसर नंबर थ्री में फोर्थ आंसर राइट होगा जिसमें फोर्टीन होगा आंसर नंबर फोर में हेनरी आ जाएगा आंसर नंबर फाइव में फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव वाला आंसर जो है करेक्ट होगा फिलप्स जो थे उसमें आपको रोल्स लॉ लिखना था पहले वाले में दूसरे वाले में आयनिक क्रिस्टल लिखना था और तीसरे वाले में आपको डिसॉर्प्शन लिखना था और चौथे में ज़ीरो और पाँचवें में आपको कंप्लीट लिख देना था क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो वन वर्ड वाले तो इसमें आपको डेंसिटी अगर बतानी थी तो डेंसिटी होता है मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रो इसकल्स टू जेड एम अपॉन ए क्यू इनटू एन ए लिख सकते थे आंसर नंबर टू की बात करें तो फ्रेंकल डिफेक्ट इज कंटेन्स फ्रेंकल डिफेक्ट इट कंटेन्स आयनिक क्रिस्टल वेयर द आयन इज लार्जर देन द एनायन इज लार्जर देन द कैटायन और इन स्कोटिड इफेक्ट द डिफरेंस इज साइज बिटवीन केटायन एंड एन एन इज स्मॉल थर्ड आपका मोल फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स इज टू अमाउंट ऑफ कंस्टिटूएंट्स मोल अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट इन मिक्सचर ये भी मोल में ही होगा आंसर नंबर फोर की बात करें तो इसमें क्या लिखना था आपको क्वांटम एफिशिएंसी द नंबर ऑफ केमिकल स्पाइसिस दैट अंडर गो रिएक्शन पर फोटोन ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ए गिवन एनर्जी और पाँचवा जो है आपका द मोलिक्यू मोलिक्यूल्स ऑफ सॉप्स एंड डिटर्जेंट कंटेन्स ए हाइड्रोफोबिक फॉबिक एंड हाइड्रोफोलिक पार्ट एम मिसेल इज़ एन एग्रीगेट ऑफ सरफेक्टेंट मोलिक्यूल्स डिस्पर्सड इन ए लिक्विड फॉर्मिंग ए कोलोइडल सस्पेंशन चौथा क्वेश्चन था आपका मैच करना था तो इसको मैच करने के बाद में हम बता सकते हैं कोवलेंट जो कोवलेंट सॉलिड जो है आइस होगा और एंटासाइड जो होगा ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी के लिए और पैप्टीजेशन जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा और इसके बाद में अगर हम बात करें आ, जो आपका क्रिस्टल लाइन सॉलिड तो इसमें प्लास्टिक हो जाएगा और अरहानियस इक्वेशन जो हो जाएगा के इसकल्स टू ई एप की पावर माइनस ई ए अपन आर टी जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग करेंट डिक्रीजेज वेन द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड एज ए रिजल्ट द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस विद द डायल्यूशन और क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आंसर देखें तो द रेट ऑफ कॉन्स्टेंट इज नियरली डबल विद ए राइज इन टेम्परेचर बाई टेन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ए केमिकल रिएक्शन द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेट कॉन्स्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड क्वान्टिटिवली बाई अरेनियस इक्वेशन दैट इज के इजकल्स टू ए टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी वेयर के इज द रेट ऑफ कॉन्स्टेंट ए इज द अरेनियस फैक्टर और फ्रिक्वेंसी फैक्टर आर इज़ द गैस कॉन्स्टेंट टी इज़ द टेम्परेचर एंड ई इज़ द ई ए इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन अब इसके बाद में हम जो नेक्स्ट छठे के बाद में सातवें क्वेश्चन की बात करें तो सातवा क्वेश्चन देख लेते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, सच एज सचरीन और एल्टीनेम और एसपरटेम कैन बी यूज इन प्रिपेयरिंग स्वीट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए बनाए जाते हैं इनसे और आपको डिफरेंस बताना था स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रेंकल में तो इसके आंसर हो जाएंगे इसको जो स्कॉटी डिफेक्ट अराइज इन दोज आइनिक क्रिस्टल वेयर द डिफरेंस इन साइज़ बिटवीन केटाइन एंड आनाइन इन स्मॉल इसमें स्मॉल होता है और इस वाले में आपका जो है क्वाइट लार्ज होता है सेकेंड आ जाएगा वन स्कॉटी डिफेक्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू वैकेंसीज और यहाँ पर वन वैकेंसी के लिए लीड होता है और सर uh, इसके बाद में अगर हम तीसरे आ, अंतर की बात करें तो टू एटम्स रिड्यूज फ्रॉम द क्रिस्टल फॉर ईच स्कॉटी डिफेक्ट टू एटम्स रिड्यूज होते हैं और द नंबर ऑफ एटम प्रजेंट इन द क्रिस्टल बिफोर एंड आफ्टर फ्रेंकल डिफेक्ट रिमेन्स सेम इसमें सेम रहते हैं एग्जाम्पल के लिए अगर हम स्कॉटी की बात करें और फ्रेंकल की बात करें तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जैसे कि एन एस सी एल के सी एल जो है स्कॉटी के हो जाएंगे जेड एन एस और ए जी सी एल जो है आपका इस नेक्स्ट के हो जाएंगे नाइन्थ क्वेश्चन जो है Hoff coefficient is a measure of the effect of a solute upon colligative properties such as osmotic uh, pressure, relative and lowering in vapor pressure, the uh, elevation of boiling point and freezing point depression. the wandhof factor is ratio between the actual concentration of uh, particles produced when the substance is dissolved and the कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस एज कैलकुलेटेड फ्रॉम इट मास इट इज रिप्रेजेंटेड एज आई और आई को हम लिख सकते हैं एब नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपन नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दसवां क्वेश्चन जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन वेयर इन द रेट डज नॉट वेरी विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस देयर फॉर द रेट ऑफ दिज रिएक्शंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ द स्पेसिफिक रिएक्शन वेयर हम लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में आर इज टू के और इसका हमारे एग्जाम्पल देना चाहें तो एस टू गैस और सी एल टू गैस को जब हम ट्रीट कराते हैं तो ये टू एस सी एल गैस ही देता है और डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ओवर ए हॉट प्लेटिनम सर्फेस ये भी इसका एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर बारह का आंसर है प्रेशर इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूट आवर बॉडी फ्लूड कंटेंस ए नंबर ऑफ सोल्यूट ऑन टेकिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट एन ए प्लस एंड सी एल माइनस आयस एंटर इन टू द बॉडी फ्लूड देयर बाई रेजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट एज ए रिजल्ट एसमोटिक प्रेशर इनक्रीज विच में रैप्चर द ब्लड सेल्स ब्लड सेल को भी रैप्चर कर सकता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है यूज ऑफ इमल्शन तो सेंथेटिक पेंट फॉर पेंटिंग वॉल्स उसके लिए ये इमल्सन बनाते हैं सेकंड है आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन थर्ड है आपका फोटोग्राफिक फिल्म एंड प्लेट्स आर मेड बाय अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ एन इमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें और डिफेक्ट अंतर बता सकते हैं हम डाइजेशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी ऑकर्स थ्रू इट्स इट्स इमोल्सिफिकेशन इन इंस्टेटाइन थ्रू मिल्क अब चौदहवा क्वेश्चन जो है इसका आंसर देखते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कंसिडर द रिएक्शन जैसे आर टेंस टू पी तो आर इज टू हो जाएगा माइनस डी माइनस डी आर अपॉन डी टी इजक्ल्स टू के आर की पावर नॉट एज एनी क्वांटिटी रेज द पावर जीरो इज यूनिटी तो रेट ऑफ रेट की फिर से इक्वेशन लिख देंगे जहाँ पर आपका जो है रेट इजक्ल्स टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज्कल्स टू के वन हो जाएगा और डी आर हो जाएगा माइनस के डी टी और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो कर देंगे तो आर इज टू माइनस के टी प्लस आई आ जाएगा इक्वेशन नंबर वन और वेहर हम बता सकते हैं जहाँ पर आई इज द कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन और एट टी इजकल्स टू डी जीरो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस आर इज टू आर नॉट वेयर आर नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स सब्सिट्यूट कर देंगे फर्स्ट uh, वैल्यू को तो आपके पास जो लास्ट वैल्यू आ जाएगी निकल के के इजकल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी पंद्रवा क्वेश्चन की बात करें तो वैन मेटल आर एक्सपोज टू एटमोस्फियर कंडीशंस दे रिएक्ट विद एयर और वाटर इन द एनवायरमेंट टू फॉर्म जायरेबल कंपाउंड यूजली ऑक्साइड्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन और इसका मेन रीज़न ये भी है कि कोरोजन ओनली ऑकर्स वेन द ओनली ओकरस वेन देयर विल बी ऑक्सीजन प्रजेंस अच्छा द लीड लीस्ट एक्टिव मेटल सच एज गोल्ड प्लेटिनम और प्लेडियम आर अटैक्टेड बाई एनवायरमेंट इन केस ऑफ आयरन इट इज़ कॉल्ड रस्टिंग रस्ट इज़ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड एफ ई टू ओ थ्री एक्स एच टू ओ तो ये जो है फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है तो इसको भी आपको याद रखना है इसके बाद सोलवा क्वेश्चन है जो देर आर फोर मेन फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है आपका रिएक्टेंट कंसनट्रेशन से आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है इफेक्ट होता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट से भी रिएक्टेंट्स रियक, एंड सरफेस ऑफ एरिया से भी आपका जो है ये इफ़ेक्ट होता है दो हो गए आपके इनके बारे में लिख दिया है और तीसरा जो है आपका टेम्परेचर से भी आपका इफ़ेक्ट होता है और चौथा होता है आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो होते हैं कैटलिस्ट वही होते हैं नारद मुनि की तरह बस आए आग लगा के चल दिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस से भी ये जो है आपका फर्क पड़ता है तो ये चारों ऑप्शन आपको लिखने थे इनके आंसर्स लिख देने थे सत्रवा क्वेश्चन है ऑस्मेटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मेटिक इज द डिफ्यूजन ऑफ प्रीमेबल मेम्ब्रेन अंडर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट व्हेन ए सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन सेपरेट्स a solution from a solvent that <clears throat> then only solvent molecules are allowed to pass through the membrane the osmotic uh, pressure of a solution is the pressure difference we need to stop the flow of solvent across membrane the osmotic pressure of solution is di directly proportional to the mo molen concentration of solute particles इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द टोटल नंबर ऑफ सोल्यू सोल्यूबल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स और आयंस एंड नोट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दीज इंक्लूड फ्री फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड वेपर प्रेशर लॉरिंग एंड एसमोटिक प्रेशर द एस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड इट्स देयर फॉर ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अट्ठारहवा जो क्वेश्चन है आपका उसको देख लेते हैं इसके बाद में आपका जो ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा तो चलिए अट्ठारहवा क्वेश्चन देखते हैं तो अट्ठारहवें क्वेश्चन में आपका तो एंटीनेसिटी एजेंट जो हैं ए ड्रग यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ एन सी सच एज फीलिंग्स ऑफ फियर और ड्रीड और मसल फाइट फाइटनेस एट्सेट्रा मोस्ट ऑफ दीज एजेंट्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन द नर्वस सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एनक्सिलइटिक एजेंट्स एग्ज़ाम्पल इक्वेनियल और क्लोनोडिया जेप्रो डाइड एक्सेट्रा और सेकेंड है आपका सल्फो ड्रग जो पूछा गया है इसके बारे में तो ड्रग ऑल्सो कॉल्ड सल्फो सल्फोनामाइड एनी मैंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेंथेटिक एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग द सल्फ़ोनीमाइड मोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर एग्जाम्पल ग्लाइबूराइड और सल्फेमेथो नाजोल और ट्राइमेथोप्रीम एटसेट्रा उसके बाद में डाई की बात करें तो ए डाई इज ए कलर्ड सब्सटेंट दैट केमिकल केमिकली बॉन्ड्स टू द सब्सटेंस टू विच इट इज बीइंग अप्लाइड एग्जांपल फास्ट ग्रीन पिकनिक एसिड और ऑरेंज ग्रीन एटसेट्रा नेक्स्ट है आपका कलर पिगमेंट ए पिगमेंट इज ए कलर्ड मटेरियल दैट इज कम्प्लीटली और नियरली इनसॉल्यूबल इन वाटर पिगमेंट आर ऑफ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज टू कलर अदर मटेरियल एग्जाम्पलो क्लोरोफिनाइल और हीमोग्लोबिन एटसेट्रा आयोडीन टिनजक्चर है जो आपका आयोडीन टिनचर इज एन एंटीसेप्टिक यूज टू डिसइंफेक्ट द वउंड द स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन इज़ टू टू सेवन परसेंट ऑफ द आयोडीन एंड द रिमेनिंग आइर सोडियम और पोटेशियम आयोडीन इसके बाद में ग्यारह जो क्वेश्चन आपका रह गया था उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे ए ड्राई सेल इज कंपैक्ट फॉर्म ऑफ द सेल इट कंटेन्स ऑफ ए सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर विच एक्ट एस एनोड ए ग्रेफाइड रोड इज प्लेसड इन द सेंटर नो टचिंग द बेस एक्ट्स एस कैथोड तो उसका डायग्राम है मुझे बनाना था ये रहा प्लस और यहाँ पे नीचे आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्रास सबसे टॉप पे ब्रास कैप हो जाएगा जो इसके आउटर लाइन है उसको जेड एन कंटेनर बोल सकते हैं जिंक कंटेनर उसके बाद में जो है पेपर जो है स्पेसर होता है एक पेपर का जो कागज़ होता है वो होता है और बीच में आपका पेस्ट ऑफ़ एम एन ओ टू प्लस कार्बन हो जाता है और वहीं पर आपका ग्रेफाइट रोड होता है जो काला कलर का निकलता है पेस्ट ऑफ़ एन एच फोर सी एल प्लस जेड एन सी एल टू तो ये आपका हाँ केमिस्ट्री का, का इंग्लिश मीडियम का सलूशन आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड